हिमाचल विधानसभा चुनावों को लेकर जहां उम्मीदवार प्रचार में जुटे हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर के नेता भी प्रचार करने पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा शनिवार को शिमला के मॉल रोड लोअर बाजार में कांग्रेस उम्मीदवार हरीश जनार्था के समर्थन में प्रचार करने पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने शहरवासियों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की, साथ ही उन्होंने भाजपा पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्मार्ट सिटी को सीमेंट और लोहे की सिटी करार दिया, साथ ही शहर में बनाए गए ओवरब्रिज को नशे का अड्डा बताया। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में पिछले 15 सालों से भाजपा के विधायक हैं, लेकिन शहर में लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। शहरवासियों को समय पर पानी मिलता है और ना ही यहां पर जाम की समस्या से छुटकारा मिल पाया है। शहर में स्मार्ट सिटी के तहत जो काम करवाए जा रहे हैं, उसे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। यही नहीं, यह सरकार ने एनजीटी को शिमला डेवलपमेंट प्लान भेजा है, लेकिन एनजीटी ने उस पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि इस बार शहर की जनता कांग्रेस के साथ है और मन बना चुकी है कि इस सरकार को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकना है और शिमला शहरी से इस बार हरीश जनार्था जीत दर्ज करेंगे। शहर में कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और हरीश जनार्था के साथ प्रचार में जुटे हैं। देखिए, लोगों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आती रही है। जब तक सत्ता सौंपी हमने सेवा की, जब विपक्ष सौंपा हमने सड़कों पर संघर्ष किया। आपने कहा 15 साल नहीं है नगर निगम की, शायद आप बात कर रहे हैं शहर, अच्छा एक आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो 15 साल आपने भाजपा को विधायक दिया। 15 साल एक दशक से ऊपर कम नहीं होता है। सरकार दी दिल्ली और हिमाचल में, दी मिला क्या, जाकर पूछ लीजिएगा यहाँ के लोगों से। आपका यहाँ का जो प्लान भी आता है एनजीटी, उस प्लान को अवैध गैर कानूनी बताकर रद्द कर देती है, क्योंकि खिलवाड़ हो रहा था हिमाचल के या शहरी की जो आप बात बता रहे हैं। 10 विधायकों का टिकट काट के, मंत्रियों का टिकट काटना पड़ता है, सीटें बदलनी पड़ती हैं। भाजपा अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी सोच रही है खत्म हो जाएगा, वो अब इनके जाने से ही खत्म होगी। यहाँ पर लोगों ने मन बना लिया है। आप यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों से बात करें, जितने भी आपके शिमला शहर में बैठे हुए हैं, आप महिलाओं से बात करिए, युवाओं से बात करिए, सेब का जो हमारा किसान है बात करिए, सब मन बना चुके हैं। और आप मीडिया के लोग हैं, मुझसे ज्यादा आप लोगों के बीच में हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपको भी समझ आ गया होगा कि यहाँ पर सरकार भाजपा की जाना तय हो चुका है। कांग्रेस बहुमत से वापसी कर रही है। आप मीडिया के लोग हैं, मुझे जानते हैं, मैं मीडिया प्रभारी के तौर पर यही मॉल रोड के नीचे कांग्रेस दफ्तर में बैठकर आप लोगों से संवाद कर रही हूं। मैं इसीलिए यहां घूमी भी हूं, पहली बार नहीं आई यहां पर, घूम रही हूं लगातार पिछले 3 महीने से। स्मार्ट सिटी कहां है ढूंढ रही हूं, और लोगों का कहना है स्मार्ट सिटी नहीं, सीमेंटेड लोहे की सिटी बनाकर यहाँ को जो पर्यावरण का नुकसान किया है। बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर, फुट ओवर ब्रिज नशे के अड्डे बन गए हैं। कहाँ से चौराया दिखाया आपने, वह जो संजोली क्लीनी चौक, संजोली क्लीनी चौक, चलिए तो सही मेरे साथ। स्मार्ट सिटी सीमेंटेड लोहे की, और उसका इस्तेमाल जनता नहीं कर पा रही है, नशे के अड्डे बन रहे हैं। ये 15 साल में यहाँ दिया है। हरी जनाथा जी कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं, पूरा कांग्रेस का परिवार। हमारा उम्मीदवार कहीं और प्रचार कर रहे हैं, हम कार्यकर्ता कहीं और उनके लिए कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। और आप देखिए, लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। नाकामियों का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ेंगे, हमने विरोध किया इसलिए वो विकास नहीं कर पाए। 1,000 रुपया कितना, 1,000 रुपया ऊना से हमीरपुर के बीच में जो ट्रेन चलानी थी उसके लिए सेंशन आप करवाते हैं 1,000 रुपया, मखोल था या नहीं? आंसू किसके आए, अनुराग ठाकुर जी आपके या मेरे आए? आंसू आपके आए। मुख्यमंत्री का नाम आपको मंजूर नहीं है, मानिए ना। जयराम ठाकुर जी आपके नेता हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, आप तो उन्हें मुख्यमंत्री ही नहीं मान रहे। जब आप ही अपने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे तो उन्हें कमजोर हम नहीं आप कर रहे हैं। और सच्चाई है कि उनसे ज्यादा कमजोर मुख्यमंत्री शायद देश को नहीं मिला है। कठपुतली मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारों पर काम करते रहे, एक रिमोट कंट्रोल है जो दिल्ली के हाथ में, उसकी बैटरी का नाम है जयराम ठाकुर। बैटरी कमजोर हो चुकी है, रिमोट बंद हो गया है।